ऑरम्स किचन में स्वागत है दोस्तों आपका। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल केक। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी किस तरह से ये केक एकदम बढ़िया बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। सबसे अच्छी बात, इसमें मैंने आटा और मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो आप देखिएगा मैंने क्या इंटरेस्टिंग इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो अभी बातें बंद करते हैं और जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। पैन को मैंने गैस पर रख लिया है और मेरे पास है 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर। बटर को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। बटर काफी मेल्ट हो चुका है तो साथ में ही मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1/2 कप शुगर। तो मैं यहाँ पर व्हाइट शुगर ले रही हूँ, अगर आपको ब्राउन शुगर यूज करनी हो तो यहाँ पर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब शुगर और बटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें शुगर को एकदम मेल्ट होने देना है। गैस को हम मीडियम हीट पर रखेंगे। हमें यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, मैं यहाँ पर कैरमल बना रही हूँ शुगर से। तो जब शुगर मेल्ट हो जाएगी अपने आप बहुत बढ़िया हमारा कैरमल तैयार हो जाएगा बनके। हम देख सकते हैं शुगर कैरमलाइज होनी शुरू हो गई है, उसका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई है। एट दिस स्टेज मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, उससे ये शुगर क्रिस्टल्स बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूंगी। हम देख सकते हैं शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है और बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है, पैन को बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। बहुत ही बढ़िया हमारा कैरमल बनके तैयार हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर डिश ली है, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। साइड्स पर बटर को लगाना बहुत जरूरी है। यहां मेरे पास है पार्चमेंट पेपर, इसको भी लगाऊंगी। ऐसा करने से हमारा केक बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद मैं फिर से ऑयल लगा दूंगी या बटर, आप जो भी ऑयल बटर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लगा लीजिए। हमारी बेकिंग डिश रेडी है, चलिए मैं फटाफट अब इसमें जो हमने कैरमल बनाया है इसमें डाल लेते हैं हम। अभी जो हमने अपना ब्यूटीफुल कैरमल बनाया है, सबसे पहले मैं इसको डाल दूंगी। अच्छे से मैं इसको स्प्रेड करूंगी कॉर्नर्स तक। यहाँ मेरे पास हैं स्लाइस्ड पाइनएप्पल्स, तो मैंने इनको 1/2 सेक्शंस में कट किया है, सेंटर पोर्शन इनका निकाल दिया है। यहाँ मैं फ्रेश पाइनएप्पल ले रही हूँ, आप चाहें तो कैंड वाले जो पाइनएप्पल आते हैं वो भी ले सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो बहुत ही सेम साइज़ के कटे हुए होते हैं, तो यहाँ पर बट ये वाले मुझे ज़्यादा पसंद हैं बिकॉज इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, एकदम फ्रेश हैं। तो मैं पाइनएप्पल्स को इस तरह से लगा दूंगी। पाइनएप्पल्स हमारे कैरमल के ऊपर सेट हो गए हैं। तो चलिए अब हम फटाफट केक का बेस बना लेते हैं। तो केक का बेस बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, आप चाहे तो यहाँ पर मेल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
साथ में मैं ले रही हूँ हाफ कप दही। अभी मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ऐसा करने से जो दही है एकदम हमारी फ्रोथी हो जाएगी और अभी हम बेकिंग सोडा के साथ दही और ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका एकदम स्मूथ एक कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर बना लेना है। तो हमने जो बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से दही एकदम फूलेगी। अभी जिससे हमारा केक एकदम स्पॉन्जी और बढ़िया बनेगा। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। मैं हैंड विस्कर से कर रही हूँ। ये देखिए दही हमारी एकदम स्मूथ हो गई है। तो मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। शुगर मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ 1/3 कप शुगर ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो कैरेमल बनाना है उसमें भी चीनी है और फिर हम इसमें भी थोड़ा पाइनएप्पल प्योरी भी मिलाएंगे। तो अभी शुगर के साथ हम इसको फिर से विस्क करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर बना है हमारा। अभी मैं इसमें पाइनएप्पल का प्यूरी डालती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 1/3 कप पाइनएप्पल प्यूरी है। हमने 1/3 कप ही शुगर ली थी और 1/3 कप ही हमने पाइनएप्पल प्यूरी डाला है। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। अभी इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दूंगी। करीब 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। मिल्क मैं इसमें बाद में डालूंगी। मैं अभी डाल रही हूँ 1 कप सूजी। इस केक को हम सूजी से बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने मैदा या आटा इस्तेमाल नहीं किया है। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप डिसिकेटेड कोकोनट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट कोकोनट का फ्लेवर इस केक में बहुत अच्छा आता है। मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दूध हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं, अदरवाइज उससे लम्प्स बन जाते हैं हमारे मिक्सचर में। तो एक बार जब हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। तो हम ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देख लेंगे कहीं पे कोई लम्प्स ना हो मिक्सचर में बिल्कुल भी। अभी मैं इसमें थोड़ा मिल्क डाल लेती हूँ। तो मैं 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें कंसिस्टेंसी चेक करते हुए, क्योंकि हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है। ये देखिए एकदम बढ़िया हमारा ये बैटर बन गया है। तो हमने जो ये पाइनएप्पल और इसको हमने सेट करके रखा था कैरमल को, अभी हम अपने बैटर को इसमें पोर करेंगे। मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा टैप कर लेते हैं ताकि एयर निकल जाए इसमें से। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं।
मैंने ओवन को पहले से प्रीहीट कर रखा है। इसको मैं 180 डिग्रीज पर 40 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। केक हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। एक टूथपिक डालकर हम चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल साफ टूथपिक बाहर आई है, केक बिल्कुल रेडी है, एकदम क्रिस्पी इस पे क्रस्ट आया है, कितना सॉफ्ट बना है, लेकिन अभी काफ़ी गर्म है। इसके साइड्स पर काफ़ी क्रिस्पी हमारा कैरमल भी है। तो इसको फ्लिप करने के लिए हमें 5 to 7 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद फ्लिप करेंगे तो ये चिपक जाएगा और दिक्कत आएगी, और अगर गर्मा गर्म में फ्लिप करेंगे तो थोड़ा सा ये गर्म बहुत है, हाथ जलने का डर रहेगा। तो मैं 5 मिनट्स वेट करूंगी, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं हल्का सा यहाँ पर नाइफ लगा देती हूँ। देखिए हमने पेपर लगाया था तो ये बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, केक हमारा कहीं से भी चिपका नहीं हुआ है। तो मैं एक प्लेट ऐसे रख रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से इसको हम धीरे से फ्लिप करेंगे। ये अभी भी थोड़ा गर्म है तो मैं इसको केयरफुली हटाऊंगी। जो हमने पेपर लगाया था इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा कैरमल केक निकला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं, हमने जो टेक्निक इस्तेमाल करी और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, हमने झटपट कितना बढ़िया केक बना लिया। मैंने आपको सारे टिप्स दिए हैं, तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरेंज किचन।